गर्मी के मौसम में आप रहें कूल, इसलिए लेकर आए हैं हम अब हर ब्रांड के फ्रिज, कूलर, एसी, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, इन सभी की विस्तृत श्रृंखला और वो भी आसान फाइनेंस सुविधा के साथ। जी हाँ, छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, पंधाना रोड, खंडवा। संपर्क सुदीप सिंह छाबड़ा, मोबाइल नंबर 9110151515 और सतबीर सिंह छाबड़ा 9110151116। खंडवा में ऑनलाइन मोबाइल खरीदने के नाम पर एक व्यापारी से 72,000 रुपए की हुई ठगी। व्यापारी राजेश वाघवानी ने बताया कि जलेबी चौक पर मेरी 10 साल से मोबाइल की दुकान, दीपावली त्योहार को देखते हुए मैंने कुछ मोबाइल ऑर्डर किए थे, लेकिन ऑर्डर के नाम पर देवास गुरुदेव मोबाइल के मनीष लालवानी ने मुझसे 3 बार अपने बैंक अकाउंट में 72,500 रुपए डलवाए और कहा कि आपका ऑर्डर बस पर रखवा दिया है, सुबह आप उतार लेना। उसके बाद मनीष लालवानी ने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालकर मोबाइल बंद कर लिया, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा एसपी ऑफिस और कोतवाली थाने में की है। मैं एक मोबाइल व्यापारी हूँ, जलेबी चौक पे मोबाइल की दुकान है। एक व्यापारी है, देवास के है, बताते थे और मोबाइल के सैंपल भेजते थे, और शनिवार के दिन मैंने उनको ऑर्डर दिया 72,530 का, और उन्होंने ऑर्डर का बिल भी भेजा और मेरे से पेमेंट डलवाया 3 करंट खातों में 2 करंट खातों में, और कहा कि आपकी बस पार्सल बस पे रख देंगे और सुबह आपको मिल जाएगी। उसके बाद से उनका मोबाइल नंबर भी बंद आ रहा है और व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया है। तो आपको ऐसा लग रहा है आप क्या ठगी हुई? जी हाँ, मेरे साथ ठगी हुई है और मैंने अभी कोतवाली थाने में आया हूँ रिपोर्ट करवाने। क्या नाम बताया था उसने अपना? उसने मनीष लालवानी बताया था, गुरुदेव मोबाइल देवास। अच्छा, गुरुदेव मोबाइल जी। तो आपने कंफर्म नहीं किया कि गुरुदेव मोबाइल है? नहीं, कंफर्म नहीं किया था। क्या लालच देता था आपको, क्या कह के आपने ऑर्डर दे दिया, जबकि माल तो आपको खंडवा में मिल जाता है सब? जी, मोबाइल ऑर्डर किए थे जो यहाँ मिल नहीं रहे थे, उनका ऑर्डर किया था, ऑनलाइन मोबाइल लाया। जी, क्या नाम बताया आपने? राजेश वाधवानी। हमारा भाई है छोटा रोहित, मेरा कज़िन है, इसकी मोबाइल की शॉप है जलेबी चौक पे। इसके साथ क्या है, देवास के एक व्यक्ति ने, व्यापारी ने, अपने आप को बहुत बड़ा व्यापारी बताकर काफ़ी टाइम से 3 महीने से ऑर्डर ले रहा था, फ़ोटो बेचते जा रहा था मोबाइल के। अब हमने जिस मोबाइल का ऑर्डर दिया वो मोबाइल क्या है, काफ़ी जल्दी बिकते हैं और बंद भी हो गए, तो उस मोबाइल का हमने ऑर्डर दे दिया और उस व्यक्ति ने क्या है ऑर्डर ले लिया और हमसे पेमेंट डलवा लिया। पेमेंट डाल दिया, अब 2 दिन से उसका मोबाइल बंद है, उसने हमको ब्लॉक लिस्ट भी कर दिया, व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया है और फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया, यानी मोबाइल ही बंद कर दिया। अब हमारे को मालूम पड़ गया कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। बस मेरा सभी खंडवा वासियों से और मध्य प्रदेश की जनता से और मोबाइल के व्यापारियों से निवेदन है कि कोई भी ऐसा काम ना करें कि अपन बगैर सोचे समझे किसी को भी पेमेंट ना डालें, जब तक कि अपन कंफर्म नहीं हो कि इसकी मोबाइल की दुकान है कि नहीं, ये अपने को माल भेजेगा कि नहीं। ये तो हमारे साथ तो 72,000-75,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है, लोगों के साथ तो 1,00,000 रुपये का भी हुआ है, पर फिर भी व्यक्ति समझता नहीं है। तो सभी से यही निवेदन है मेरा कि कम से कम पहले जांचें कि इसकी मोबाइल की दुकान है कि नहीं, और परखें और अपने आसपास से ही खंडवा के लोकल व्यक्तियों से ही और इंदौर के व्यापारियों से ही जाकर खुद मोबाइल खरीद के आएँ, ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर ना करें।